हेलो एंड वेलकम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार इंडिया में। आज हम बात कर रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से निकाली गई नई वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी आप किन पोस्ट पर निकाली गई है, कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में हम बताएंगे। टोटल 281 पदों पर भर्ती आपकी निकाली गई है। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 20 दिसंबर 2022 फॉर्म की लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले इसमें अप्लाई आप जरूर से कर दें। आयु, योग्यता, चयन प्रक्रिया व अन्य संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। किन पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसकी सारी जानकारी आपको वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो पसंद आए इसे लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर दें, ऐसी आने वाली नई नई रोजगार अपडेट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां जाकर आपको बताएंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड कैसे करनी है। उसके बाद इस वैकेंसी की पूरी जानकारी आपको वीडियो हम बताएंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। इस साइट का लिंक हमने अपनी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करोगे सीधा इस पेज पर आ जाओगे। अब यहाँ पर बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड कैसे करनी है। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के आप देख सकते हैं, पहले ही नंबर पर आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगी। 18 नवंबर 2022 को नोटिफिकेशन यहाँ से पब्लिश किया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके आप इस नोटिफिकेशन को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। हमने ये नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर लिया है, तो अब चलते हैं सीधे इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। वहां जाकर आपको इस वैकेंसी की पूरी जानकारी हम बताएंगे। बिहार लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर हम आ चुके हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक हमने अपनी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी आपको वीडियो में हम बताएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपके विभाग का नाम, पद का नाम यहाँ पर दिखाया गया है, किन विभाग में किस पद पर वैकेंसी आपकी निकाली गई है। पहले नंबर बात करते हैं पुलिस उपाधीक्षक की पदों पर भर्ती निकाली गई है। लेवल 9 पर आपकी सैलरी आपको यहाँ पर मिलेगी। और वैकेंसी आपके अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड कर दी गई है। 20 साल आपकी यहाँ पे न्यूनतम एज यहाँ पर रखी गई है। जिला समिष्टा के लिए यहाँ पर आपकी लेवल 9 पर सैलरी आपको मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी इसमें निकाली गई है। जिला अग्निशमन पदाधिकारी के लिए आप बात करते हैं, लेवल 9 पर आपको सैलरी इसमें मिलेगी। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी डिवाइड कर दी गई है, एक बार आप इसे रीड जरूर से कर लें। 20 साल आपकी यहाँ पे न्यूनतम आयु रखी गई है। कारा अधीक्षक के पदों पर भर्ती निकाली गई है। लेवल 9 पर आपको सैलरी यहाँ पर मिलेगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। 22 साल आपकी यहाँ पे न्यूनतम एज इसमें रखी गई है। राज्य कर सहायक आयुक्त बिहार वित्त सेवा में आपकी वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर 22 साल आपकी यहाँ पे न्यूनतम आयु रखी गई है। सैलरी आपको यहाँ पर लेवल 9 पर मिलेगी। नेक्स्ट पोस्ट पर बात करते हैं अवसर निर्वाचन पदाधिकारी के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 साल आपकी यहाँ पे मिनिमम एज यहाँ पर रखी गई है। अवर निबंधक, संयुक्त अवर निबंधक की पोस्ट के लिए लेवल 9 पर आपको सैलरी मिलेगी और 22 साल आपकी न्यूनतम आयु यहाँ पर रखी गई है। श्रम अधीक्षक के पदों पर बात करते हैं, तो आपकी 22 साल आपकी इसमें मिनिमम एज यहाँ पर रखी गई है। नियोजन, जिला नियोजन पदाधिकारी के पदों पर भर्ती आपकी निकाली गई है। इसमें 21 साल आपकी यहाँ पर न्यूनतम आयु रखी गई है। प्रोबेशन पदाधिकारी के लिए आपकी 21 साल यहाँ पर आपकी एज रखी गई है। सहायक निबंध सहयोग समितियों के लिए आपकी 22 साल यहाँ पर मिनिमम एज यहाँ पर रखी गई है। वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। सहायक निदेशक के पद पर भर्ती आपकी निकाली गई है। 22 साल आपकी यहाँ पर न्यूनतम आयु रखी गई है। सैलरी आपको लेवल 9 पर यहाँ पर मिलेगी। ईक पदाधिकारी के लिए आपकी यहाँ पर 22 साल इसमें आपकी मिनिमम एज यहाँ पर रखी गई है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बिहार शिक्षा सेवा के लिए आपकी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, देख सकते हैं। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के लिए आपकी यहाँ पर वैकेंसी में निकाली गई है। सैलरी आपको यहाँ पर लेवल 7 पर आपको इसकी मिलेगी। अपर जिला परिवहन पदाधिकारी के लिए आपको लेवल 7 पर आपको सैलरी मिलेगी। 21 साल आपकी यहाँ पर न्यूनतम एज रखी गई है। ग्रामीण विकास पदाधिकारी के लिए आपको लेवल 7 पर आपको सैलरी मिलेगी। 21 साल आपकी यहाँ पे मिनिमम एज रखी गई है। यहाँ पर प्रखंड पंचायत राज्य पदाधिकारी के लिए आपकी यहाँ पर लेवल 7 पर आपको सैलरी मिलेगी। यहाँ पर 21 साल आपकी यहाँ पे मिनिमम एज यहाँ पर रखी गई है। राजस्व अधिकारी एवं समक्ष के लिए आपकी बात करते हैं, तो आप लेवल 7 पर आपको सैलरी यहाँ पर मिलेगी। 21 साल आपकी न्यूनतम आयु यहाँ पर रखी गई है। आपूर्ति निरीक्षक के लिए आपकी बात करते हैं, तो लेवल 7 पर आपको सैलरी मिलेगी। 21 साल आपकी मिनिमम एज यहाँ पर रखी गई है। प्रखंड अनुजाति एवं अनुजनजाति कल्याण पदाधिकारी के लिए आपकी यहाँ पर लेवल 7 पर सैलरी आपको मिलेगी और 21 साल आपकी यहाँ पर मिनिमम एज यहाँ पर रखी गई है।
टोटल वैकेंसी की बात करते हैं, टोटल 281 पदों पर भर्ती आपकी यहाँ पर निकाली गई है, तो जल्द से जल्द जाइए आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। क्वालिफिकेशन की इसमें आपकी बात करते हैं तो आपके यहाँ पर देख सकते हैं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक आपने यहाँ पे पास आउट किया हो, स्नातक के बाद आप इसमें अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अप्लाई करने से पहले एक बार इस नोटिफिकेशन को रीड जरूर से कर लें। एज इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर एज आपकी रखी गई है। किसी पोस्ट में आपके यहाँ पे 20 साल आपकी न्यूनतम आयु हुए 21 है, 22 है आपकी न्यूनतम आयु रखी गई है। अधिकतम आयु यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे आपकी मैक्सिमम एज यहाँ पर रखी गई है, तो एक बार इस नोटिफिकेशन को रीड जरूर से कर लें। यहाँ पर बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन फीस पर, एप्लीकेशन फीस के लिए देख सकते हैं सामान्य अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर ₹600 एप्लीकेशन फीस निर्धारित की गई है। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आपके ₹150 यहाँ पर एप्लीकेशन फीस निर्धारित की गई है। बिहार राज्य के स्थायी निवासी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर ₹150 फीस निर्धारित की गई है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40% या उससे अधिक के लिए ₹150 आपका शुल्क यहाँ पर निर्धारित किया गया है। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर ₹600 आवेदन शुल्क है। यहाँ पर देख सकते हैं आप इसमें अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। इंपॉर्टेंट डेट पर यहाँ पर बात करते हैं, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 25 नवंबर 2022 है, लास्ट डेट इसकी 20 दिसंबर 2022 है। 25 नवंबर 2022 से फॉर्म बनने स्टार्ट हो जाएंगे, लिंक एक्टिवेट यहाँ पे हो जाएगा, आप इसमें अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। और 20 दिसंबर 2022 इस फॉर्म की लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले इसमें अप्लाई आप जरूर से कर दें। लास्ट डेट का इसमें इंतजार ना करें, लास्ट डेट पर साइट थोड़ी बिजी हो जाती है, तो बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो फॉर्म फिल नहीं कर पाते, उनका फॉर्म रह जाता है। तो लास्ट डेट का इंतजार ना करते हुए जैसे ही इसकी यहाँ पर लिंक ओपन हो 25 नवंबर 2022 को जाके आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। हमने नोटिफिकेशन आपको अच्छी तरीके समझा दिया है, अगर आपको अब भी इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको इसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करेंगे हम, यहाँ से पूरी पूरी कोशिश हम करेंगे आपकी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व की जाए। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।